नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रेवाड़ी में लगातार लूट, चोरी व हत्या जैसी संगीन वारदात सामने आ रही हैं। रेवाड़ी में मंगलवार को भी बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेवाड़ी के रामगढ़ रोड से कुंभावास की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर उस समय हड़कंप मच गया जब राहगीरों ने यहां पर एक युवती का शव देखा। शव देखने से पता चलता है कि युवती का बेरहमी से कत्ल किया गया है। आशंका है बदमाश कत्ल करने के बाद नहर के कच्चे रास्ते पर शव को फेंक कर फरार हो गए हों। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर रेवाड़ी SP IPS गौरव राज पुरोहित भी पहुंचे थे। शव को मोर्चरी में भिजवा दिया गया, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब बड़ा सवाल है कि रेवाड़ी में एक के बाद एक इस तरह की वारदात सामने आ रही है, रेवाड़ी पुलिस कर क्या रही है? हत्यारे वारदात के बाद आसानी से शव को फेंककर फरार हो जाते हैं, पुलिस की गत से लेकर पुलिस नाकों पर सवाल खड़े होते हैं। बावल में सुबह के समय एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात भी सामने आई थी। इससे पहले सरेआम लूट की वारदात सब देख चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर रेवाड़ी पुलिस कर क्या रही है? पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 के माध्यम से भी और कंट्रोल रूम और लोकल अपना नंबर पुलिस स्टेशन सदर के भी, जैसे सूचना मिली है कि एक लड़की की डेड बॉडी जो है ये नहर के कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही SHO सदर इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ, इसमें महिला IO नीतू जैन से SI प्रदेश प्रदीप कुमार मौके पर तुरंत पहुंचे हैं। जैसे सूचना हमें दी है मैं भी मौके पर तुरंत पहुंचा हूं। हालात मौके देखे हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है, SP साहब को तुरंत इसमें सूचना दी है। मौके पे SP साहब भी मौका मुआयना करने तुरंत पहुंचे हैं और SP साहब ने जो जो हमें डायरेक्शन दी है उन डायरेक्शनों का हम तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी से पालन करके और अभी किसी भी प्रकार का इसमें कोई कलयुग शनाख्त नहीं हो पाई है। जैसे ही हम इन डायरेक्शनों तक पहुंचते हैं हम जल्द से जल्द जो है इसका खुलासा करेंगे और इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे।